चलो, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर एग्जीक्यूटिव्स। इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हम देखेंगे इसमें प्रेसिडेंट्स को क्या क्या पावर मिले हुए हैं। इसमें हम मेजर थ्री पावर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको सबको प्रेसिडेंट को हर मैटर के लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑबलाइज्ड टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री। सारे के सारे मैटर्स में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपने व्यूज को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम जब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन होता है 3 ईयर्स के लिए। एंड इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। सेम प्रेसिडेंट वाला ही इलेक्शन सिस्टम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो इलेक्टोरल जो होता है इसका, इनका हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्ट नहीं होते हैं। मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा passed by a majority and agreed to by the Lok Sabha. This is the provision of removing vice president. Acts as the ex-office chairman of the Rajya Sabha and takes over the office of the president when there is a vacancy by reasons of death, resignation, removal by impeachment or otherwise. कोई भी अगर ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे उनके काम को वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली अनटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते हैं, तब तक वो वहाँ